देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर सेकंड सेशन के अंदर। इस क्लास के अंदर जो हम सीखेंगे उस क्लास में बीजी के मॉडल के बारे में सीखेंगे कि बीजी के कितने मॉडल हैं, ठीक है, उन मॉडलों के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं, इट्सेट्रा। आज हम ये सब टॉपिक सीखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग जो आज सीखने जा रहे हैं वो सीखेंगे बीजी मॉडल के बारे में। सर, बीजी के मॉडल कितने होते हैं? जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया कि सर कोई बोलता है बीजी के तीन मॉडल होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और इंटरप्राइज। इनमें डिफरेंस क्या होता है सर? ये ऊपर हाँ बीजी जी, मॉडल में ईएम क्या आता है सर? एसएमबी कहीं देखा, कभी कभी बीएस भी देखा, ये क्या होता है? ये बीजी के मॉडल होते हैं, बीजी के टाइप है। बीजी के क्या है? आपके टाइप है, जिसमें टाइप्स, बीजी के तीन टाइप होते हैं। बीजी तीन ठीक एडिशन है, पे काम करता है। पहला बेसिक एडिशन। सर, ये ठीक बेसिक एडिशन क्या होता है? है सर। बेसिक एडिशन कुछ प्लेस पे ही आप यूज कर सकते हैं। मतलब बेसिक वर्जन का मतलब होता है कि आप बिजी के अंदर फाइनल अकाउंटिंग कर सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, सेल परचेज रिसीव पेमेंट वेमेंट कर सकते हैं, मल्टी लोकेशन हाँ जी सर, इन्वेंट्री यूज कर सकते हैं, एमआईएस रिपोर्ट देख सकते हैं, टीडीएस फेस कर सकते हैं, जीएसटी का काम कर सकते हैं, ठीक है। ये काम सारा बेसिक वर्जन पे, तो मतलब जो नॉर्मल अकाउंटिंग करना चाहता है कोई पर्सन, कि जैसे कि सेल परचेज का उसका काम है, तो बेसिक सॉफ्टवेयर लेके भी काम कर सकते हैं। बट याद रखना कि जो ठीक आप है, अगर बेसिक सॉफ्टवेयर लेते हो तो आपको जेसन फाइल नहीं मिल सकती जीएसटी की। जेसन फाइल जो जावा स्क्रिप्ट फाइल होती है, जो रिटर्न के लिए यूज की जाती है, वो आपके स्टैंडर्ड या उससे अबव वर्जन में मिलती है। बेसिक वर्जन पे आप नॉर्मल ठीक अकाउंटिंग कर सकते हो, अपनी जीएसटी की रिपोर्टें प्रिपेयर कर सकते हो, बट आप जेसन फाइल क्रिएट नहीं कर सकते। ये बेसिक वर्जन होता है। बेसिक वर्जन जो ठीक मार्केट में है, मिलता है वो 7500 का मिलता है, सिंगल यूजर। सर, ये बेसिक है, बेसिक वर्जन है। इसमें आप नॉर्मल अकाउंटिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, एसएमएस नहीं कर सकते, जॉब वर्क नहीं कर सकते, डेट वाइज प्राइसिंग नहीं कर सकते, ऑडिटिंग वाउचर नहीं कर सकते, ईरिटर्न से जेसन फाइल नहीं बना सकते। ये बेसिक वर्जन के ठीक अंदर है, है। बेसिक वर्जन के भी अपने तीन वर्जन होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं सर मुझे तो सिंगल हूं, मैं सिंगल यूज करूंगा, तो आप बेसिक वर्जन में बोल देंगे कि बेसिक और सिंगल यूजर। सिंगल क्या बोल देंगे आप? बेसिक सिंगल यूजर। क्या बोल देंगे आप? बेसिक सिंगल यूजर। इसका मतलब क्या सिंगल, है कि मैं बेसिक का सिंगल यूजर यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा मैं? बेसिक का सिंगल सिंगल यूजर, यूजर, मतलब मैं एक ही पर्सन काम करूंगा एक बिजी सॉफ्टवेयर पे। जैसे ही मैं इसको क्लिक करके सेव करूंगा, तो आप ऊपर जाके देखेंगे आपके इस पीसी पे बीएस आ गया, मतलब बेसिक का सिंगल यूजर। क्या शॉर्ट फॉर्म दिख रही है आपको? बेसिक का सिंगल यूजर। अगर आप बिजी का कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, मल्टी यूजर और ड्यूल यूजर, ड्यूल का मतलब होता है जिसमें दो लोग काम करेंगे, वो ड्यूल यूजर कहलाते हैं। देखो तो ऊपर आपकी शॉर्ट फॉर्म बन गई बीडी, मतलब बीसी का ड्यूल यूजर। अगर आप बीसी का मल्टी यूजर यूज करना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक करके सेव कर देंगे, तो आपको बीसी का मल्टी यूजर बन जाएगा, मतलब बीएम, बीएम बोले तो बीसी का मल्टी यूजर। क्या कहलाएगा ये मल्टी आपका? बीसी का मल्टी यूजर कहलाएगा, बाय, ठीक है, ठीक है, बीसी का मल्टी यूजर। मल्टी, मल्टी यूजर में दो से लेके 10 लोग काम सकते हैं, मतलब आपने एक ही सॉफ्टवेयर परचेज करा है, एक ही डोंगल नंबर परचेज करा है। क्या करा है हाँ आपने? जी सर, एक ही डोंगल परचेज एक करा और उससे सॉफ्टवेयर, 10 लोग काम एक कर रहे हैं, वो मल्टी यूजर कहलाता है। दो से लेके दस ठीक लोग है, तक काम कर सकते हैं बीजी में। ठीक सर, दो क्या काम कर सकते हैं? दो से लेके से लेकर 10 लाख, 10 लोग तक काम कर सकते हैं। हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है सर। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो टॉपिक है स्टैंडर्ड वर्जन का। सर, स्टैंडर्ड वर्जन क्या होता है? मैं आप लोगों को बता दूं, बीजी के बाद जो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर सेल होता है वो स्टैंडर्ड वर्जन होता है, क्योंकि इंडिया में जो बीजी सॉफ्टवेयर मोस्टली परचेज करते हैं वो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में उनका सारा ऑलमोस्ट सारा काम हो जाता है। जैसे सेल कोटेशन भेजना, किसी को ऑर्डर प्रोसेसिंग करना, सेल चलान, पीओएस बिलिंग, रिटेल काउंटर, स्कीम मैनेजमेंट, बिल ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन, डेज वाइज प्राइसिंग, वाउचर ऑडिटिंग, इट्सेट्रा, ये सारा काम स्टैंडर्ड वर्जन में होता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर आपको जेसन फाइल का फॉर्मेट भी मिल जाता है।
तो आप लोगों को ठीक सर। याद, अगर आप बीजी का सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं तो आप बीजी का स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर से अपना काम कर सकते हैं। बीजी के इसके ठीक अंदर भी सर। टोटल आपके बीजी कितने वर्जन होते हैं, 3, सिंगल, ड्यूल और मल्टी। ऐसी जो ठीक मोस्ट है। सबसे और जो सबसे महंगा सॉफ्टवेयर होता है बीजी का, वो स्टैंडर्ड एंटरप्राइज वर्जन होता है। ये बीजी का सबसे महंगा ठीक वर्जन सर। होता है। इसके अंदर जो सबसे फीचर्स हैं वो पेरोल है, ब्रांच वाइज रिपोर्ट है, मैसेज सेंटर है, यूजर एक्टिवेट लॉग है, इंक्वायरी एंड सपोर्ट है, मास्टर सीरीज ग्रुप टैगिंग है, एसएमएस ईमेल है, वेब बेस्ड रिपोर्टिंग है, ठीक है। ये ठीक सर। सारा काम आपके इंटरप्राइज वर्जन में भी होता है। इसके 3 वर्जन होते हैं। तो टोटल अगर हम ठीक करें सर। तो वीजी के 3 मॉडल होते हैं और उनके सब मॉडल 9 होते हैं, मतलब सबके 3 3 3 प्लस 9 हो जाएंगे। ये समझ में आ गया? बट सर हमने कुछ आपकी वीडियो देखी है जिस वीडियो में आपने बोला है बीजी के 11 मॉडल होते हैं सर, बट हमने जितना सीखा है वो 9 यहाँ पर आपके दिख रहे हैं। ये 11 कैसे होंगे आप मुझे एक बार बता दीजिए, मैं आपको बताता हूँ 11 कैसे होंगे। आप ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है डाटा टाइप। सर ये डाटा टाइप क्या होता है, ये एमएस एसक्यूएल क्या है, ये एक्सेस फॉर्मेट क्या है? अगर आप बीजी का इनमें से कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हाँ जी और आप एक्सिस मोड पे काम करते हैं, एक्सिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एक्सिस वर्जन, मतलब आप जो भी बीजी के अंदर काम करोगे, यहाँ से कंपनी क्रिएट करना, यहाँ से बैकअप लेना, एक सेक्टर जो भी काम करेंगे वो सारा आपका, वो सारा आप लोगों का एक्सेल में आएगा, एक्सेल में नहीं आएगा सर, एक्सिस फॉर्मेट में आएगा। एक्सेस फॉर्मेट। याद रखना जो विजुअल बेसिक है ना आपका, ये यूजर हाँ जी फॉर्म है। जो आपका जो बिजी बना है ना वो एक्चुअली में हाँ जी विजुअल बेसिक 6.0 पे बना है। इस सॉफ्टवेयर पे बिजी को ठीक डेवलप किया गया है। ये सॉफ्टवेयर खाली फॉर्म दिखाता है, फॉर्म बनाता है, एक्सेप्ट और कुछ भी नहीं करता। इसमें आप फॉर्म बना लो, लेकिन ये फॉर्म बन तो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्म बना के दिखाऊं, जैसे बिजी के अंदर जो फॉर्म बना हुआ है एमडीआई फॉर्म बना हुआ है, बीजी के अंदर ये फॉर्म बना हुआ है एमडीआई फॉर्म, ये ठीक फॉर्म है बना सर। हुआ है, बीजी के अंदर ये फॉर्म बना हुआ है ओपन कंपनी, ये एमडीआई फॉर्म बना हुआ है बीजी के अंदर हाँ जी सर। ओपन। जब ये रन होता है तो इस तरीके से रन होता है। क्या होता है जब ये रन होगा ना आपका बीजी का सॉफ्टवेयर, जी तो इस फॉर्मेट में रन होता है वो। ये यहाँ पर क्लिक करोगे तो सारे पॉपअप आ जाते हैं। अभी डिजाइनिंग नहीं हुई है तो थोड़ा सा आपको डेमो दिखाने के लिए बता दिया। जो बीजी सॉफ्टवेयर बनता है, बीजी सॉफ्टवेयर का खाली 10 काम होता है, यूजर फॉर्म दिखा देना, मतलब ये आपको पॉपअप बना के दिखा देगा। लेकिन कभी ठीक भी जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें दो तरीके से काम होता है, एक फ्रंट सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा बैकएंड सॉफ्टवेयर होता है। फ्रंट सॉफ्टवेयर क्या ठीक करता है, आपको सर। स्क्रीन दिखाता है, आप यहाँ टाइप करो, यहाँ टाइप करो, यहाँ टाइप, जैसे ये स्क्रीन सॉफ्टवेयर आपको बोलेगा यहाँ नाम टाइप कर दो, यहाँ अपनी कंपनी का एड्रेस। बट एक सेकेंड सॉफ्टवेयर होता है जो इस डाटा को अपने पास स्टोर करके रखता है, वो कहता है कि आप हाँ यहाँ जो जी चीजें पुटअप करोगे या जो चीजें यहाँ रखोगे उनको मैं एक अलग जगह पे रखूंगा, और वो जगह ठीक है कौन सर। सी होगी, वो जगह या तो एक्सिस फॉर्मेट होगा या तो एसक्यूएल फॉर्मेट होगा, या तो वो एक्सिस ठीक फॉर्मेट सर। होगा या तो वो एसक्यूएल फॉर्मेट होगा, जहां डाटा को रखा जाए। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो ये सारे वर्जन है जिनके 9 वर्जन है वो एक्सिस मोड पे काम करते हैं, जैसे बीएस एक्सिस, बीएम एक्सिस मोड, एसएम एक्सिस मोड। अगर आप एसक्यूएल पे क्लिक करोगे तो उसके लिए अलग जी शॉर्टकट की बन जाती है। क्या अलग शॉर्टकट की बनती है मैं दिखाता हूं। बेसिक, बेसिक में 3 वर्जन होते हैं आपके, कौन कौन से हैं, बीएस बेसिक का सिंगल यूजर, बीडी बेसिक का ड्यूल यूजर, बीएम बेसिक का मल्टी यूजर, दूसरा स्टैंडर्ड होता है एसएस स्टैंडर्ड सिंगल यूजर, एसडी हाँ
एस एम, ऐसा और इसमें एस सी मिलता है, एस सी ई होता है इंटरप्राइज, ई एस देन ई डी एन आपका पीएम, पी एम, अच्छा एन एक और होता है ई सी। ई सी का मतलब होता है क्लाइंट, क्या होता है आपका क्लाइंट वर्जन, कौन सा मोड होता है क्लाइंट। आपने शायद क्लाइंट बहुत से लोग आपने देखा होगा वो एम एस टी एस सी लिखते हैं, अपने टॉपिक पे जाते हैं, अपनी आई टी डालते हैं आईपी एड्रेस और किसी भी पीसी को अपने पीसी से कनेक्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हाँ हैं जी वो सर करेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब वो बीजी का कौन सा मोड यूज करते हैं, वो बीजी का एक्चुअल मोड करते हैं। एक्चुअल मोड उस वे में यूज किया जाता है जब आपका डाटा बहुत बड़ा हो, लार्ज हो, 1 GB का डाटा हो, 2 GB का डाटा हो, तो आप उस हाँ समय जी एसक्यूएल मोड पे काम करेंगे। और बीजी जब आप एसक्यूएल मोड पे काम करोगे तो इन तीनों का नाम ना यूज करके वो या तो आपको एस सी बोलेगा या ई सी बोलेगा, स्टैंडर्ड का क्लाइंट ठीक वर्जन या एंटरप्राइज का क्लाइंट वर्जन, ठीक है। ठीक है और ये सबसे महंगा होते हैं ये वाले, एस एम से भी ज्यादा महंगे एस सी और ई सी होता है, क्योंकि आप एसक्यूएल मोड पे काम करोगे और एसक्यूएल मोड का मतलब है कि आपका डाटा लार्ज है और ये बेसिकली कंपनी के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, जो आप एसक्यूएल मोड पे काम करोगे तो आपका डाटा जल्दी करप्ट नहीं होगा। एक्सेस मोड पे ठीक है एक सर लिमिटेशन है कि अगर आपका डाटा 200 MB से ज्यादा गया तो बीजी का सॉफ्टवेयर वहीं करप्ट हो जाएगा, बीजी का ठीक सर सॉफ्टवेयर वहीं करप्ट हो जाएगा, आगे काम नहीं होगा। लेकिन ठीक सर एसक्यूएल मोड पे डाटा जल्दी करप्ट नहीं होता। सर फिर बीजी को कैसे पता चलेगा कि मैं बीजी को ओपन करूं, तो बीजी को कैसे पता चलेगा कि मुझे बीजी को कौन से मोड पे ओपन करना है। जब आप हाँ बीजी जी का डोंगल परचेज करेंगे और जैसे ही डोंगल अपने पीसी पे लगाएंगे तो बीजी अपने आप खुद स्पेसिफाई कर लेगा कि आपको कौन सा मोड ओपन करना है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, चाहते हैं कि मैं सर एक जगह बी एस यूज करूं, एक जगह बी एम यूज करूं, एक जगह ई एम यूज करूं, तो आप राइट क्लिक करके बीजी के शॉर्टकट बना सकते हैं। कैसे, आप शॉर्टकट पे जाएंगे और यहाँ से ब्राउज करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, सी ड्राइव पे बिजी बिन, और यहाँ से एक बीजी के सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट की क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से, जैम में जो मैंने यहाँ करके दिखाई। नेक्स्ट एंड ठीक है फिनिश, ये आ गई। बट मैंने छोटी गलती करी, शॉर्टकट तो बनाई, जो मुझे दिखाना था वो मैं आपको नहीं दिखा पाया। मैंने दोबारा राइट क्लिक करा, मैं गया न्यू पे और कहाँ पहुंच गया, शॉर्टकट पे, और मैंने यहाँ पर पे लिखा, उसको सर्च करा। याद रखना जब भी कोई बीजी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो वो आपका सी ड्राइव बीजी बिन के अंदर जाके इंस्टॉल होता है, और इसके आगे मेंशन कर दो आपको बीजी का कौन सा मॉडल यूज करना है। मैंने बोला सर मैं बीजी का ई सी ऑन करना चाहता हूँ, बीजी का ई एम यूज करना चाहता हूँ, इंटरप्राइज का मल्टी, ठीक क्लिक कर दिया। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी मैंने बोल दी ई एम, ये नाम डाल दिया ताकि मुझे याद रहे और कोई फर्क नहीं। देखो यहाँ पर आ गया, मैं जैसे ही ऑन करूंगा बीजी क्या करेगा, बीजी अपने आप ही उसको रीड करके यहाँ पर आपको शो कर देगा। ठीक सर आपको बी एम करना है तो बी एम कर सकते हो, अगर आपने ये कर लिया तो आप बीजी मॉडल यहाँ से चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने स्पेसिफाई कर दिया बिफोर स्टार्टिंग कि आपने कहा जब भी आप स्टार्ट हो तो आप हमेशा कौन से मोड पे स्टार्ट हो, ये अब तो आप इसको बाद में चेंज नहीं कर सकती, आप आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा चीज सर, आप ऐसा नहीं कर सकते एक ही शॉर्टकट की बना दो, जब भी मैं बीजी को ऑन करूं तो बीजी मुझसे पूछे सर आपको कौन सा वर्जन स्टार्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, शॉर्टकट पे जाओ और यहां से इसको ब्राउज करो, और बस एक क्वेश्चन मार्क टाइप कर दो और इसको नेक्स्ट कर दो। जैसे ही आप इसको कर देंगे और जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे तो बीजी आपसे फर्स्ट टाइम कैसे पूछेगा, स्पेसिफाई कमांड लाइन, जो भी आपकी कमांड लाइन हो वो टाइप कर दो। जैसे ही आप यहां से एसएस करके क्लिक करोगे बीजी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इस तरीके से बीजी के कोई से भी वर्जन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको देखो मैंने बताया कि ठीक आप किस तरीके से बीजी के अंदर ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक सर थैंक यू तो
आपने देखा कि मैंने आज किस तरीके से आपको बिजी के मॉडल के बारे में बताया कि बिजी में कितने मॉडल हैं, क्लाइंट मॉडल किसको कहते हैं, एक्सकॉल क्या होता है, कैसे बिजी का बना, ये सारा काम आज की क्लास में हमने सीखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे।